भारतीय जनता पार्टी के कुकर्मों 2024 आने दीजिए, समय इंतजार कीजिए, समय पर उनका इलाज बिहार की जनता कर देगी। एक से एक क्षेत्र हैं जहां लोग आ कर करके दर्शन भी करते हैं, परिदर्शन भी करते हैं। 2 अप्रैल को अमित शाह बिहार दौरे पे आ रहे हैं। अब इसी को लेकर के जब बातचीत की गई श्याम रजक से, तो उन्होंने कहा है कि यह जो है बीजेपी गरीब विरोधी है, यह जो है सिर्फ अमीरों का देखती है, गरीबों का शोषण करती है। वहीं पे बता दें आपको, जिस तरह से जो है बिहार में योजनाएं चल रही है, इसको लेकर के भी उन्होंने कहा है कि जितनी भी योजनाएं हैं, केंद्र सरकार दिन पर दिन जो है योजनाओं की राशि में कटौती करते जा रही है। और भी क्या कुछ कह रहे हैं श्याम रजक, छोड़े जाते हैं उनके पूरे बयान के साथ। बीजेपी बहुत उत्साहित है, बीजेपी करेगी 24 और 25 में हम लोग सफाया कर देंगे, आप लोग साथ भी काम किए हैं, कमांड के क्या लगे? उत्साह होना स्वाभाविक है। कोई दल अपने यहाँ किसी को अध्यक्ष या पदाधिकारी बनाता है तो वह सोच करके बनाता है कि उनके माध्यम से हम दल को और मजबूत स्थापित करने का काम करेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक बिहार की जनता है, भारतीय जनता पार्टी के कुकर्मों, भारतीय जनता पार्टी के व्यवहार और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गरीबों का शोषण, अमीरों को लाभ, शिक्षा की अस्त व्यस्तता, निजीकरण, दलित अति पिछड़ा, छात्रों को जो लोग बड़ी ट्रेनिंग बड़ी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ऐसे लोगों को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ रहा है, तो इन चीज़ों के कारण देश की जनता और बिहार की जनता चुप रहने वाली नहीं है। 2024 आने दीजिए, समय इंतज़ार कीजिए, समय पर उनका इलाज बिहार की जनता कर देगी। इस बात को मैं बता देना चाहता हूँ, 1977 में भी लोग समझते थे कि कुछ होगा, कोई कहते थे कि इन लोगों के पास तो कोई नेता ही नहीं है। लेकिन जब जनता ने पलटी किया, मोरारजी देसाई को सारे सांसदों ने चुना और वो प्रधानमंत्री बने। 1989 में जब पूरी जनता भ्रष्टाचार के सवाल पर आक्रांत थी, बीपी सिंह के नाम से चुनाव नहीं हुआ था, जनता ने फैसला किया और सांसदों ने बीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। तो 77 और 89 के हालात से बदतर आज देश की स्थिति हो गई है, बिहार उससे अछूता नहीं है। बिहार में मनरेगा का सवाल हो, केंद्रीय योजनाओं का सवाल हो, सारे चीज़ों में राशियां कटौती करने का काम कर रही है। बिहार के अनुसूचित जाति के लोगों को छात्रवृत्ति जो मिलता था, जगजीवन राम आवासीय अनुसूचित जाति के छात्रों को जो छात्रवृत्ति मिलती थी, उसको भी बंद कर दिया। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या आप सिर्फ चाहते हैं कि देश बड़े पूंजीपतियों के हाथ में रह जाए, बड़े पूंजीपति जैसा चाहे वो सही हम करें? तो बिहार की जनता किसी के आने जाने का इंतज़ार नहीं करेगी, इंतज़ार कर रही है समय का। चुनाव आएगा और इनका ऐसा खटिया खड़ा करेगा, कोई नाम लेने वाला भी नहीं बचेगा। को अमित शाह रहे हैं बिहार, नवादा और सासाराम में, बिहार पर्यटन क्षेत्र है, बिहार का नाम ही है बिहार, बिहार मतलब कि लोग बिहार करने आते हैं। यह एक से एक क्षेत्र है जहां लोग आ कर करके दर्शन भी करते हैं, परिदर्शन भी करते हैं, तो बिहार आए लोग। लेकिन बिहार एक ऐसा जगह है जहां अगर अच्छी नीयत से लोग आते हैं तो वो बड़े से बड़े शख्सियत बन जाते हैं, बुरी नीयत से आते हैं तो उनकी पटकनी लग जाती है, अभी फिर वो उठने की स्थिति में नहीं रहते हैं। बिहार का हजारों वर्षों का इतिहास रहा है और अमित शाह जिस नीयत से आते हैं, आ रहे हैं, वो नीयत बिहार की जनता एहसास कर रही है, उनके आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं तो कहूँ कि और आ जाए, जितना आएंगे उतना हम लोग मजबूत होंगे और बिहार की जनता उतना ज़्यादा आक्रोशित होगी। वो जितना है, मैं तो चाहता हूँ कि वो यहीं अपना आ कर करके अपना रैन बसेरा बना ले। उनके रैन बसेरा बनने से बिहार की जनता और विपक्षी ताकते और मजबूत होगी। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।